कैटरीना कैफ से बहस करने में क्यों डरते हैं विकी? कैटरीना ने पति विकी कौशल को क्यों दी थी धमकी? दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी, वहीं बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। इस फिल्म में एक ऐसा फाइट सीन था जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है, वो सीन है कैटरीना कैफ का टॉवल फाइट सीन जिसने ऑडियंस को हैरान कर दिया। इस सीन को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। बता दें कि विकी कौशल ने भी अपनी वाइफ कैटरीना के इस कमाल के एक्शन सीन पर अपना रिएक्शन दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान विकी ने सीन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें कैटरीना के हार्ड वर्क पर काफी गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस फाइटिंग सीन को देखने के बाद अपनी पत्नी कैटरीना से डर गए हैं। अब वो कैटरीना के साथ बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कैटरीना तौलिया पहनकर उनके साथ मारपीट करे। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू के दौरान विकी ने बताया था कि उनकी शादी की तारीख उस दौरान पड़ रही थी जब वो एक मूवी की शूटिंग में बिजी थे। ऐसे में उन्होंने आधी शूटिंग की और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को दुल्हनिया बनाने निकल पड़े। हालांकि शादी होने के 2 दिन बाद ही उन्हें सेट पर आने के लिए कॉल किए जाने लगे। इससे नाराज होकर कैटरीना ने उन्हें धमकी दे डाली और कहा तुम्हें 2 दिन बाद सेट पर ही जाना है तो शादी रहने ही दो। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने अपना ब्रेक और बढ़ा लिया और 5 दिन बाद शूटिंग पर लौटे। बता दें कि कैटरीना हाल ही में टाइगर 3 में नजर आई थी। इसके बाद अब वो अगले साल जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म मैरी क्रिसमस में दिखेंगी। वही बात करें विकी की तो वह हाल ही में अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म सैम बहादुर लेकर आए हैं। विकी स्टारर यह फिल्म 1 दिसंबर को फिल्म एनिमल के साथ रिलीज हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वायर टॉक को भी सब्सक्राइब करें।